हे वेलकम बैक। और ना आज मुझे पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है आज। मतलब कल रात से ये हो रहा था मेरे साथ और वीकनेस भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बहुत आलसपना जैसे हो रहा है, आलस मतलब आलसी हो गया वो ऐसा लग रहा है मुझे। निकल गया वो बाहर इसी के कारण, थोड़ा डीमोटिवेट फील कर रहा था इसके लिए थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा घूम के आते ऐसा मैंने सोचा। और आज का आउटफिट में कुछ चेंज नहीं है, जो लास्ट वीडियो में मैंने डाला था वही टी शर्ट है, बट थोड़ा चेंज क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। चेंजेस बस ये शूज़ के जगह फ्लिप फ्लॉप, ब्लू जीन्स के जगह ब्लैक पैंट और अपना शर्ट टी शर्ट तो वही है और ये छोटा सा बैग। बाकी बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा था इसके लिए बाहर आ गए सब लोग। मैं सबको लेके आया कि शॉपिंग करने जाते हैं, मतलब शॉपिंग करने से थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा अपना डिमोटिवेट और बाकी थोड़ा ऐसा फन भी मिल जाएगा, टाइम पास भी हो जाएगा, इसलिए सबको लेके आ गया घाट के ऊपर। बाकी सब लोग शॉपिंग पे तो लगे। इसके दादी को कुछ साड़ी लेने का था तो ये साड़ी ले रहे। अभी यहाँ से वहाँ घूमे जा रहे, अभी घाट को पर ईस्ट में थे, अभी घाट को पर वेस्ट में जा रहे। बस ऐसी टाइम स्पेंड करने के लिए, बस ऐसी टाइम पास करने के लिए। मुझे ना घाट को पर में रोड से सब रास्ता पता है, बट इन लोग ने ना कौन से गली गली से लेके आए ना मुझे वेस्ट से ईस्ट पता ही नहीं चला। और इतनी लाइक अपन रोड से आते तो बहुत क्लोज हो जाता और बहुत नज़दीक हो जाता, बट ये भाई साहब गली गली से सब लोग लेके आए और इतना दूर भी हो गया, पैर भी दुख रहे। इट्स बीन मोर देन 1.5 आवर कि हम लोग इधर ही घूमे जा रहे हैं, इधर ही घूमे जा रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। बट क्या है पता है कि जो लोकेशन है उसके दादा और दादी की एनिवर्सरी है, तो उसके लिए उसको दादी के लिए साड़ी और दादा के लिए शर्ट लेने का था। तो अपार्टमेंट पे आके हम लोग बैठे क्योंकि एक दोस्त का घर इधर है, तो वो कुछ काम से अंदर गया, बोला 5 मिनट में बाहर आता हूँ फिर अपन भांडुप जाते। भांडुप इसका कुछ काम है, इसको डॉग्स लेने मतलब पेट्स लेने, तो भांडुप एनजीओ जाके वो ले लेंगे हम लोग अभी घाटकोपर से सीधा भांडुप। और मैं सोच रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछे थे सबको, तो उनमें से तो बहुत आए, मैंने सोचा कि इस वीडियो में 4-5 Q&A कर लेता हूँ, फिर अगले वीडियो उसके ऊपर ही अपन बनाएंगे। जैसे कि जितने भी बचेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बचेंगे वो अगले वीडियो में एक पर्टिकुलर Q&A वीडियो ही बनाएंगे, और इसमें 5-6 में Q&A कर लेता हूँ टाइम मिल रहा है तो। भाई घाटकोपर से भांडुप पहुँच गए, तो अभी मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है इब्राहिम मेरा यूट्यूब फ्रेंड है, वो भी मेरे वीडियो देखता है, मैं भी उसके वीडियो देखता हूँ, वीडियो से ही जान पहचान हुई है हमारे बीच में। वो कांजूर में रहता है, मैं विक्रोली में रहता हूँ, बस एक स्टेशन का फ़र्क है। तो उसका क्वेश्चन क्या है पता है, वुड यू लाइक टू कोलैब विद इब्राहिम व्लॉग्स। भाई तू ये कब से बोले जा रहा है, तू कभी सीरियसली लिया इस बात को? मैंने कितने बार बोला है कि कभी भी बोल तू, अपन कोलैब करने में तैयार है। और भाई दूसरा क्वेश्चन सिद्धेश है, सिद्धेश वो बोल रहा है कि हाउ टू कंप्लीट 1K सब्सक्राइबर इन 7 डेज। भाई मुझे पता होता तो मैं ही करने ही लेता, मेरा ही चैनल खुद 2 साल से चल रहा है और मेरा ही खुद 144 सब्सक्राइबर है, अगर मुझे पता होता तो मैं ही कर लेता था भाई। और बाकी ओमकार योर यूट्यूब इनकम, भाई कुछ यूट्यूब इनकम इनकम चालू नहीं है अपनी, यूट्यूब इनकम मोनेटाइज ऑन करने के बाद होती है, और मोनेटाइज अपना 1K सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम के बाद मोनेटाइजन ऑन होता है, फिर अपनी इनकम आती है, फिर अभी तक तो इनकम नहीं चालू हुई है। बाकी सैम कास्टिक, कभी सेल्फ डाउट होता है भाई? स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया था कि सेल्फ डाउट हो रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, मतलब कभी नहीं कर पाऊँगा कर पाऊँगा, या कभी कभी डर भी लगता है, तो ये सब होते हैं, कभी कभी होता है, बट कभी कभी लाइक कर लूँगा, फाड़ दूँगा मैं सब। और वरुण आज डेट क्या है? भाई आज डेट 27 है। भांडुप का काम ख़त्म, भांडुप से यहाँ पर आ गए मतलब अपने होम टाउन में विक्रोली। और ये वीडियो कैसे बना मुझे सच्ची नहीं पता, क्योंकि मैंने ऐसी गाय गाय में चालू कर दिया था, क्यों चाहे कैसे भी लगा हो ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो करके जाओ अभी इतने